एंटी करप्शन की टीम ने गुरुवार को 3000 की रिश्वत लेते हुए शिक्षा विभाग के एक लेखाकार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही से कार्यालय में हड़कंप मच गया। सभी लिपिक अपने अपनी सीट से रफू चक्कर हो गए। इस संबंध में थाना हाईवे में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बता दें कि सदर थाना कुतवाली अंतर्गत सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला पंचायत कार्यालय प्रांगण में वित्त एवं लेखाधिकारी विभाग का दफ्तर है। एंटी करप्शन की टीम ने आज लेखाकार कैलाश चंद्र को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बताया जाता है कि बाबू अध्यापकों का वेतन एरियर आदि के भुगतान का कार्य देखता है। एंटी करप्शन टीम आगरा के प्रभारी निरीक्षक शिवराज सिंह के अनुसार सहायक अध्यापक बनी सिंह का 2018-2019 का एरियर लंबित चल रहा था। बीते फरवरी माह में खंड विकास अधिकारी ने पत्रावली पूर्ण करके भेज दी, उसके बावजूद एरियर का बिल नहीं बनवाया गया, जिस पर बनी सिंह ने लेखाकार कैलाश से बातचीत की तो उसने 5000 रुपए मांगे। 2000 रुपए पहले ही ले लिए। बनी सिंह ने कहा भुगतान के पश्चात तो रुपए देगा, लेकिन कैलाश बाबू नहीं माना। उसके बाद एंटी करप्शन को शिकायत की, जिस पर आज बकाया राशि 3000 रुपए लेते कैलाश को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है कुछ पूरा मामला? देखिए, एक बनी सिंह टीचर हैं, उनका एरियर था 2019 से पेंडिंग। वो इनको जो है 7 फरवरी को मिल गया था। ये उसको पेंडिंग थे, पैसे मांग रहे थे। वो इनको 2000 रुपये पहले दे गया, फिर 3000 रुपये और देना तय हुआ। आज जब उसने 3000 रुपये दिए तो ट्रैप टीम ने इसको रंगे हाथों 3000 रुपये देते हुए गिरफ्तार किया। तो 5000 रुपये का मामला बताया जा रहा है। पहले 2000 पहले ले लिए, 3000 रुपये आज दिए, 5000 जी। तो बनी सिंह ने आपसे शिकायत की थी? हाँ, बनी सिंह ने हमसे शिकायत की थी आगरा। ये कब का मामला था? ये अभी का है, आज का ही। सर, क्या कार्रवाई अमल में लगी? इसको अरेस्ट तो हो ही गया, ट्रैप हुआ है। क्या नाम है इसका? कैलाश शर्मा।